सो गाइस यहाँ पे देखो भी फीचर्स ऑन एमएस वर्ड विंडो, तो जो हमारे सामने हमने एमएस ऑफिस अपना ओपन किया अपनी एप्लीकेशन, ठीक है, हमारे सामने विंडो ओपन होकर आ गई है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मतलब बटन्स जो होंगे जिनका यूज़ करके हम अपना डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाल के लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन जो टॉप लेफ्ट टॉप जो मोस्ट कॉर्नर में जो हमारा अवेलेबल होता है बटन, उसको हम बोलते हैं ऑफिस बटन, ठीक है। जिस स्टूडेंट को पता है, जिनको एमएस वर्ड आता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट जिनके लिए नया है, जिन्होंने कभी देखा नहीं है एमएस वर्ड ओपन करके, उस पर्पज़ से पढ़ा रही हूँ, जीरो लेवल से, ठीक है। वरना कईयों को लगता है कि अच्छा ये पढ़ा रहे मैडम, ये तो हमें आता है। तो इस टाइप के जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, वो कृपया वीडियो ना देखें, ठीक है। बाकी अगर किसी को लगता है कि हाँ उन्हें ज़रूरत है, तो वो वीडियो को ऑन करके देख सकते हैं, ठीक है। ऑफिस बटन है हमारे, सेकंड है हमारे रिबन्स, ठीक है। तो ये वाली जो टैब हमें दिखाई दे रही है ये कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा होता है क्या, रिबन। रिबन क्या होता है कि जहाँ पे जैसे पूरा हमारा एक तरह से लगा लो पूरा स्टेटस बार होता है, कि जहाँ पे सारे हमारी टैब्स हैं वो अवेलेबल होती हैं, सारी जितनी भी टैब्स होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। थर्ड पे हमारा आता है टैब सेलेक्टर बटन, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरो करके बना हुआ है टैब सेलेक्टर बटन, यहाँ से हम कोई भी टैब है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे हमने ये जब हमने पेज का मार्जिन सेट करते हैं, ठीक है, कि लेफ्ट साइड से कितना होना चाहिए, टॉप से कितना होना चाहिए, ठीक है, तो हम टैब सेलेक्टर जो बटन है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूलर्स। रूलर्स क्या होते हैं, रूलर्स एक तरह से जो हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में बचपन में यूज़ किया करते थे रूलर्स, ठीक है, कोई भी लाइन लगाने के लिए, या फिर कोई भी अपना एंगल जब हम बनाते थे मैथमेटिक्स में यूज़ करते थे, ठीक है, वही रूलर यहाँ पे है कि इससे हम इंचेस में अपना जो पेज का जो मार्जिन है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने इंच का गैप होना चाहिए हमारे पेज और हमारे टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब जो पेज हमारे पास ओपन हो रहा है, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट, ये जो पूरा पेज हमारे पास ओपन हो रहा है, ये क्या हमारा डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पे हम अपनी जो भी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे इस एरिया में टाइप होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे जो हमारा डॉक्यूमेंट का जो पेज ओपन हो गया उसके नीचे बिल्कुल लास्ट में जाके वो हमारा क्या होता है, स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार हमें क्या बताता है, स्टेटस बार के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा जो करंट पेज है वो कौन सा चल रहा है। ये लगा लो कि जैसे मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया 50-60 पेजेस का, ठीक है, आप ओपन करोगे एमएस वर्ड में ओपन हो गया, तो साइड बाय साइड आप फोन में भी कई बार देखते हो कि नंबरिंग चल रही होती है कि 50 पेज है और अभी आप 30th पेज नंबर पे हो, ठीक है। तो जो ये पेज काउंट का जो काम है, जो पेज काउंट जो हो रहा है हमारा, वो कहाँ पे हमें शो होगा, स्टेटस बार में, ठीक है। जो स्टेटस बार है हमारा एमएस विंडो का, वहाँ पे हमें ये काउंटिंग है वो शो हो जाएगी, ठीक है, कि ये वाला पेज हमारा ओपन है, टोटल पेजेस हमारे इतने, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस बार में और हमारा क्या होता है कि जूम जो करके देखते हैं ना, स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारी रहती है वो 100% पे रहती है, ठीक है। जो नॉर्मल व्यू, नॉर्मल पीपल जो स्टैंडर्ड रखते हैं अपना कि हाँ इतने पे हमें अच्छे से विजिबल है टेक्स्ट, ना तो ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना ज़्यादा छोटा हो रहा है, ठीक है। बट अगर ये है कि किसी को जैसे जो ओल्ड एज लोग हैं, नहीं उनको साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं है चीज़ें, तो क्या करते हैं, वो जूम इन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपना जो टेक्स्ट साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहाँ से जूम इन और जूम आउट, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, स्टेटस बार में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, ये हमारे पीसी का एक टैब होता है, पीसी का एक स्टेटस बार होता है, सॉरी पीसी का जो है मतलब वर्किंग बार होता है, कि जैसे हमने अपना एमएस वर्ड ओपन किया, ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन कहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नीचे हमने काफ़ी सारे ओपन कर लिए, हमने पीछे हमारा बैकग्राउंड में गूगल क्रोम भी ओपन है, ठीक है, जिसमें हम कोई भी अपना वर्क परफॉर्म कर रहे थे, कोई भी हमने म्यूजिक वाली ऐप अपनी ओपन की हुई है, ठीक है। अभी हम करंटली क्या कर रहे हैं, हम म्यूजिक सुनते हुए एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो हमारा जो एमएस वर्ड वाली टैब है, हमारी जो एप्लीकेशन है उसका आइकन है, और जो हमारे म्यूजिक वाली एप्लीकेशन का जो आइकन है, वो दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हमारे यहाँ पर टास्क बार में, ठीक है। जो स्टार्ट बटन होता है हमारे पीसी का, वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होगा, टास्क बार में, ठीक है। उसके बाद हमारा व्यू शॉर्टकट, ये ऑप्शन होता है जहाँ से हम मतलब कि जितने भी शॉर्टकट्स हमने अप्लाई किए हैं वहाँ से हम डायरेक्ट जाके जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसी की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जूम स्लाइड, वही मैंने बताया जूम इन जूम आउट, ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रूम बटन। स्क्रीन स्प्लिट बटन किस लिए होता है कि ये लगा लो कि हमने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, ठीक है, हमने एक पेज में लिख दिया, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे स्विच कर जाता है, बट अगर हमने पहले ही ऑलरेडी हमें पता है कि हमने अपनी जो रिपोर्ट है एक पेज में हमने चार लाइन लिखनी है, फिर हमने नेक्स्ट पेज पे लिखना है, जो फर्स्ट पेज पे जो जगह बच गई हमने ब्लैंक छोड़ देनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्प्लिट कर लेते हैं अपनी जो स्क्रीन है उसको, तो फर्स्ट वाले पेज पे हम टाइप करेंगे देन सेकंड वाले पे टाइप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्रॉल बार, ठीक है, स्क्रॉल बार वही जैसे हमारे रूलर बटन जो होते हैं वो मार्जिन सेट करने के लिए, स्क्रॉल बार अपनी स्क्रीन को अप डाउन और लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। पांच
जो होता है हमारा वो आता है राइट इंडेंट, ठीक है। ये हमारे इंडेंट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया कि जब हम मार्जिन सेट करते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड से कितना हमारा जो पेज है और जो टेक्स्ट है उसके बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। जैसे ये नहीं है कि हमने अपना हम ए फोर साइज अगर हम चीटे लेके बैठ गए कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा कुछ इंचज़ का तो गैप छोड़ते हैं ना, ये तो है नहीं कि हाँ हमने बिल्कुल जहाँ से हमारी शीट स्टार्ट हो रही है वहीं से लिखना स्टार्ट करके, नहीं होता, ठीक है। तो वो मार्जिन सेट करते हैं रूलर के थ्रू। इंडेंट क्या बताता है कि हमने कितना गैप छोड़ के, ठीक है, कितना गैप छोड़ के हमने लिखना स्टार्ट किया। तो ये राइट इंडेंट है, मतलब कितना गैप आपके राइट साइड में आपके पेज में बचेगा और फिर यहाँ तक आपका टेक्स्ट आएगा। ऐसे ही लेफ्ट इंडेंट होता है कि यहाँ तक आपका टेक्स्ट है जो बचे, यहाँ से मतलब पेज है वो आपका वेस्ट होगा और नेक्स्ट आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितने इंच का मार्जिन वो रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप, ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टैब में हमारे कितने सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है, ठीक है। क्विक नेक्स्ट आता है क्विक लॉन्च बार, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ठीक है, मतलब क्विक एक्सेस बार की यहाँ से हम अपना जो जो भी हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है उसको हम व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं और फिर हाइड करा सकते हैं, ठीक है। ऊपर हमारा 16 नंबर पे आता है टाइटल बार। टाइटल बार हमारा क्या होता है सबको पता होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट जिस पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम, जैसे हमने पीडीएफ बनाई अपनी कोई भी एमएस वर्ड के नाम से, ठीक है, तो एमएस वर्ड के नाम से हमने वो फाइल सेव करा दी, जब हम उसको ओपन कर रहे हैं तो सबसे टॉप में हमारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा आएगा एमएस वर्ड, ठीक है, करंट डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड, तो वो हमारा होता है टाइटल बार कि हमारे जो एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल क्या है। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये वैसे तो सारे ऑप्शन हमारे एमएस ऑफिस बटन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे ये ऑफिस बटन जो है इस पर फर्स्ट नंबर पे जो था उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें सारे आ जाएंगे, न्यू, सेव, सेव एज, प्रिंट, व्यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। बट एक क्विक एक्सेस में क्या है कि यहाँ पे टॉप मोस्ट में भी आपको गिवन होती है कि आपको वहाँ पे क्लिक ना करना पड़े, आप डायरेक्ट कहीं से सेव कर दें या सेव एज कर दें, मतलब उसको क्या करते हैं ओपन कर सके, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो लास्ट वाला होता है ये हमारा होता है टैब, जिसको हम मेन्यू भी बोलते हैं। डिफरेंट टैब्स हमारे पास ऑप्शन होती प्रेजेंट होती है, होम टैब होती है, इंसर्ट टैब होती है, पेज लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, ठीक है, रिव्यू एंड व्यू, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैब्स हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मेन्यू, ये सारे हमारे प्रेजेंट रहते हैं एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में। तो ये था ओवरव्यू सिर्फ कि हमारी जो स्लाइडिंग विंडो है, जो हमारी एमएस वर्ड की जो विंडो है वो हमारी किस तरह